तो देखो पता है कि मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ भाई, समझो दूसरे भी काम होते हैं करने के लिए। पर जब मैं इसका टीजर देखा, यानी कि टीजर 2, क्या टीजर है, दृश्यम 2 जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है 2022 की, उसके बाद इस मूवी का जो क्रेज है ना अलग लेवल पे होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी ना ब्लॉकबस्टर होगी। इस मूवी को ऑडियंस ने पसंद किया तो कहीं पे भी जा सकती है, क्योंकि इसका हर एक फ्रेम देखो बहुत ही खतरनाक है। भले से ये मूवी कहती की रीमेक हो, पर मुझे तो टोटली डिफरेंट वाइब लगा इस मूवी का टीजर देख के। मुझे फील ही नहीं कराती कि ये कहती मूवी की रीमेक है। और ये तो बात कहनी पड़ेगी कि भाई अजय देवगन जब भी एज अ डायरेक्टर आते हैं, उनकी सारी मूवी में कुछ ना कुछ नया देखने जरूर मिलता है। भले से उनकी पिछली मूवी जो पिछले साल आई थी रनवे 34, वो उतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस पे ना चली हो, पर फिर भी वो मूवी एक अच्छी खासी मूवी थी। और वहीं बात कर ले सिवाय की, तो पूरी वो प्योर मास मसाला मूवी थी। उसके अंदर सारे एक्शन सीक्वेंस देखो कितने अच्छे लगते हैं। तो वैसे इस टीजर में भी हमें एक्शन दिखने मिलता है, चाहे वो बाइक वाला हो या फिर लास्ट में त्रिशूल वाला हो, खतरनाक लग रहे हैं। मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मूवी के अंदर काफी चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि अजय देवगन सर ने भी कहा था कि इस मूवी के अंदर हम काफी चेंजेस करने वाले हैं, वो हमें दिखता भी है। क्योंकि जब मैं इस टीजर को देख रहा था तो मुझे उतनी ज्यादा फील नहीं आई कि कैदी की मूवी है, टोटली डिफरेंट ही फील आई मुझे इस टीजर को देखकर, और जो कि काफी पॉजिटिव है। सच में यार क्या सरप्राइज था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा देखने मिलेगा हमें इस टीजर में। यार टोटली गूज बम्स आ रहे थे मुझे हर एक सीन्स देख के, चाहे वो आरती वाला सीन हो या फिर ये फाइटिंग वाला सीन हो। डायलॉग, म्यूजिक, टीजर कटिंग काफी अच्छा, काफी बेहतरीन किया गया है। CGI VFX ऊपर नीचे लग रहा है, पर ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं, और भी इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि अभी मूवी को रिलीज होने के लिए टाइम है। और हाँ, ये मूवी 3D में भी आने वाली है। और जो इस मूवी का विलन होने वाला है, मे बी शायद वो अभिषेक बच्चन प्ले करे। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि इस मूवी का सीक्वल भी आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बातें चल रही थी। तो भाई मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि इसका जो यूनिवर्स हो काफी ज्यादा एक्सपांड हो, और मैं और भी इंटरेस्ट के साथ इसको देखना चाहता हूँ। क्योंकि यार अजय देवगन एज अ डायरेक्टर OP लेवल के काम करते हैं भाई, चाहे उनके प्रीवियस काम ही देख लो। और बाकी सारी बातें तो करेंगे पर ट्रेलर आने के बाद, क्योंकि इसका ट्रेलर भी आने वाला है। 2 टीजर के बाद एक ट्रेलर, तो ट्रेलर में हमें और भी ज्यादा डिटेल देखने मिलेगा और उसके ऊपर हम और भी खुल के बात करेंगे। ओवरऑल ये सेकंड टीजर मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब पठान तो एक आ ही रही है, पर उसके बाद अगर देखा जाए दूसरी कौन सी मूवी है जो कि ज्यादा मेन फोकस उसका मास पे हो, वो है भोला। तो ये श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर होगी मुझे ऐसा लगता है। खैर आपकी क्या ओपिनियन है इस टीजर को देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स या किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो यार, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।